वेलकम बैक, स्वागत है आपका। हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम लोग पीएनसी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैं अभी तक 3 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर चुका हूँ, अभी 4th वाले क्वेश्चन पर आ गया हूँ। फिर से वही वाली सलाह एक बार जल्दी से दे देता हूँ बच्चों, जिसने भी ब्ला 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 क्वेश्चन फोर के कहते हैं, इसे सुनते हैं। क्वेश्चन फोर कहता है, हाउ मैनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ, हाउ मैनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ 0, 2, 3, 5, 6। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन डाल देता हूँ। हाउ मैनी 3-digit नंबर की जगह पर कर देता हूँ ऑड नंबर। अब ये क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो गया। अब मेरी सलाह क्या है, सुन लो जल्दी से। 2 केस होंगे, रिपीटेशन अलाउड होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। क्वेश्चन बोल के सुना रहा हूँ, फटाक से सुन लो। हाउ मैनी 3-digit ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ 0, 2, 3, 5, 6। रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। वीडियो पॉज करो, तुरंत पॉज करो, बनाओ, और जैसे ही बन जाए तो इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। नाउ यू इन दैट पोजिशन कि आप इसके जो आंसर्स हैं अब मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर ना थोड़ी भी अपनी एक्टिविटी नहीं देंगे ना, तो उससे क्या होगा। देखो भाई, अगर हम कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग उन चीज़ों को लेकर एक्टिव होना पड़ता है। सिर्फ बेहोशी में बैठकर वीडियो लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता, उसके लिए थोड़ी बहुत एक्टिविटी लेकर आनी पड़ती है। तो सबसे पहले जब आप एक्टिविटी लेकर आओगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कहाँ पर आप गलती नहीं कर रहे हो। जब इंसान को समझ में आता है ना कि वो इस जगह पर गलतियाँ कर रहा है, जब आपने बनाया और फिर आपने ये सॉल्यूशन देखा, तब आपको जब समझ में आएगा ना कि यहाँ यहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो, तब आप सीख पाओगे। जब इंसान गलती नहीं करता तब वो सीखता नहीं है, आपको गलती करोगे तब सीख पाओगे। दूसरी बात ये कि जब थोड़ा कमेंट सेक्शन में आंसर देने लगोगे, मैं उन आंसर्स को देखूंगा, तो मुझे समझ में आएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। जब मुझे समझ में आएगा कि उन आंसर्स को देखकर आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, तो उस तरीके से मैं क्वेश्चंस डेवलप करना स्टार्ट करूँगा आपके लिए। और जब मैं आपके लिए क्वेश्चन डेवलप करना स्टार्ट करूँगा, ट्रस्ट में वो क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इफ़ यू वॉन्ट कि आपके लिए सबसे बेनिफिशियल क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ, तो टाइप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तभी तो आपको वहाँ से पुल कर पाऊँगा मैं। पॉज करो, बनाओ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आई होप कि आपने एक बार इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन सुनने वाले, देखो ज़रा सॉल्व कैसे करेंगे। 3 प्लेस होंगे, क्यों सर 3-digit का बनाना है, क्या क्या यूज़ करना है मेरे को, 0, 2, 3, 5, 6। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि पीएनसी के क्वेश्चन सॉल्व करने का की पॉइंट क्या होता है। पीएनसी के क्वेश्चन सॉल्व करने का की पॉइंट होता है कि हमको सबसे पहले कंडीशन को हिट करना होता है। आप निशान लगाओ, सबसे पहले कंडीशन को हिट करो। जैसे ही आप कंडीशन को हिट करोगे, बाकी सारी चीज़ें फिर जैसे भी अरेंज कर दो, आंसर हमेशा सही आता है। तो कंडीशन क्या है, मेरे को 3-digit का चाहिए, और क्या चाहिए, ऑड चाहिए। कोई भी नंबर ऑड कैसे होता है बच्चों, कोई भी नंबर ऑड होता है जब उसके बाकी सारे नंबर कैसे भी हो, लेकिन यूनिट वाली प्लेस पर कोई ऑड डिजिट आना चाहिए। तो मैं यूनिट वाली प्लेस पर पर्पसली ऑड लेकर आ रहा हूँ। ऑड है उसमें 3 और 5, कितने तरीके से, 2 तरीके से। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया, अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, क्यों सर, क्योंकि दूसरी कंडीशन ये है कि मेरे को 3-digit का चाहिए। अब कोई भी नंबर 3-digit का कब हो सकता है, जब 0, 2, 3, 5 और 6 में कोई भी आए, लेकिन फर्स्ट वाली पोजीशन पर क्या ना आए, 0 ना आए। ये दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन कि यहाँ पर ऑड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कि यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। तो कितने बचेंगे भाई, 4। यहाँ पर 0, 2, 3, 5 और 6 में कोई भी आ सकता है, इस पर कोई कंडीशन नहीं, इसलिए इसको लास्ट में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर पूरे के पूरे होंगे 5। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसा देखिए 4 × 5 × 2, 4, 5 = 20, 22 = 40। तो 40 ऐसे नंबर हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड होगा और वो 3-digit के ऑड होंगे। Got it? अब मैं लेने वाला हूँ दूसरा केस, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से, आइडिया नहीं बदलेगा, लेकिन आपको ना आइडिया को समझना पड़ेगा। तब जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में घूमते जाएंगे, आप उनके साथ गोल गोल घूमना बंद करोगे, क्योंकि आपके पास आइडिया क्लियर होगा, आप स्टैंड करोगे और उस क्वेश्चन को सही बना दोगे। आइडिया समझो क्या है, आइडिया ये है कि मुझे सबसे पहले कंडीशन को हिट करना होता है।
कंडीशन ये है कि नंबर होना चाहिए ऑड। कोई भी नंबर ऑड तब होता है जब उसके यूनिट वाले प्लेस पर कुछ भी आए, यूनिट वाले प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ ऑड डिजिट आना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 और 5 में से कोई भी आ सकता है। कितने तरीके हो जाएंगे? 2 तरीके हो जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मेरे को 3 डिजिट बनाना है। उसको 3 डिजिट कैसे बनेगा? फर्स्ट वाली जगह पर कुछ भी आए, क्या ना आए, 0 ना आए, वैसे 0, 2, 3, 5 और 6 में कोई भी आ जाता, लेकिन 3 डिजिट का होने के लिए फर्स्ट वाली जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। तो मैंने 0 को मना कर दिया। अब उसने बोल कर रखा हुआ है ना कि रिपीटेशन भी अलाउड नहीं करना है, तो वो नंबर जो यहाँ लिखे होंगे उसको यहाँ नहीं लिखोगे ना भाई। तो देखो मैं 2 नंबर अलाउ नहीं कर रहा हूँ, 5 नंबर लिख सकता था, 2 नंबर अलाउ नहीं किया। कितने नंबर बचे होंगे? 3। अब ये वो जगह जिस पर कोई कंडीशन नहीं, इसलिए इसको लास्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पर 0, 2, 3, 5 और 6 में कोई भी आ सकता है, लेकिन बस रिपीटेशन के लिए उसने मना किया। तो वो नंबर जो यहाँ लिखा था नहीं आएगा, और वो नंबर जो यहाँ लिखा था नहीं आएगा, बाकी कोई भी आ जाए। तो 5 नंबर थे, 2 नंबर को अलाउ नहीं कर रहा हूँ, कितने नंबर बचेंगे? 3। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जाएगा 3 × 3 × 2, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 ऐसे नंबर होने वाले हैं। इत्मीनान से इस क्वेश्चन की ब्यूटी को देखो तुम, क्वेश्चन इज़ सुपर ब्यूटीफुल, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। अगर आपने ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सॉल्यूशन सुनने के पहले अगर डाला होगा ना, और अब अगर उसका सॉल्यूशन सुना होगा ना, आपको इस लेक्चर में सुनने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, आपको बहुत कुछ मिला होगा। लेकिन अगर आपने पार्टिसिपेशन नहीं लेकर आएंगे ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो फिर सीखने के लिए उतना कुछ नहीं मिल पाएगा। सीखोगे ज़रूर, लेकिन वो जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। गॉट इट? तो इत्मीनान से इसके सॉल्यूशन को देखो, अपना आंसर्स टैली करो, और देखो कि आप क्या समझ पाए। मैं फिर वापस आने वाला हूँ एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं।